तो किसान भाइयों, अच्छा नमूना प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियों का ध्यान में रखना अति आवश्यक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि खेत खाली होना चाहिए, मतलब फसल की कटाई के 3 से 4 दिन बाद। इसका तात्पर्य यह है कि जो खाली खेत रहेगा उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता सही मात्रा में प्राप्त होगी, अन्यथा नमूना लेने के बाद में खड़ी फसल ने जो लगातार पोषक तत्वों का दोहन किया है वो हम जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी सावधानी यह है कि जो खेत में मेड़ है, मतलब जो गढ़िया होती है उसके चारों तरफ जो मेड़ है उससे 3 से 4 फीट अंदर की तरफ से नमूना लेना है, ताकि जो मेड़ पे अधिक खरपतवार एवं अन्य कीड़ों के अंडे वगैरह होते हैं वो नमूने में ना आए। तीसरी सावधानी यह ध्यान में रखना है किसान भाइयों कि खेत में अगर कोई पेड़ है बड़ा फल वृक्ष या कोई भी वृक्ष है छायादार, तो उसकी चारों दिशाओं में जो छाया बनती है उस छाया से नमूना नहीं लेना है। छाया से तात्पर्य है कि उस छाया वाली परिधि में पौधे की पेड़ की पत्तियां गिरती है और वो पत्तियां जैविक कार्बन को प्रभावित करती है। अगर ये पत्तियां हमारे नमूने में आ जाती है तो हमारे सभी पोषक तत्व मिट्टी के परीक्षण में प्रभावित होंगे और हमें सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगली सावधानी किसान भाइयों यह रखना है कि जैसे पूर्व फसल कटी हुई है तो फावड़े की सहायता से पहले पूर्व फसल की जड़ों को हटा देना है, उसके बाद मिट्टी को वी आकृति के आकार में काटना है खुरपी या फावड़े की सहायता से, और हमें वी आकृति के एक छोर से 1 इंची मोटी परत को ऊर्ध्वाधर तरीके से निकालना है, मतलब ऊपर से नीचे की दिशा में जिस तरीके से जड़ें फैलती है। एवं आखिरी सावधानी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक पूछा जाता है हमेशा कि नमूना कितनी गहराई से लेना चाहिए, तो उसमें यह सावधानी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आगामी फसल हमें लगाना है उस फसल की जड़ें कितनी गहराई तक जाती है। उदाहरण स्वरूप अगर हम धान गेहूं एवं चना इस तरीके की खाद्यान्न फसल अगर लगा रहे हैं तो 5 से 7 इंच की नमूना मिट्टी का गहराई से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम तुवर लगा रहे हैं एवं गन्ना लगा रहे हैं तो हम 1 फीट की गहराई तक का नमूना लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम फल वृक्ष लगा रहे हैं या कोई उद्यान की फसलों का बगीचा लगा रहे हैं, जैसे आम लगा रहे हैं या अनार लगा रहे हैं, तो हमें 2 फीट तक का नमूना लेना चाहिए।